नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा। होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल हेवन एट होम। आज मैं ओडिशा की और एक स्पेशल डिश बना रही हूँ। इसको हम छोड़ा मुंडा बोलते हैं, नाली मुंडा भी बोलते हैं। मैंने सूजी और आटे को मिला के बनाया हूँ। यहाँ पे मैं एक कटोरी सूजी और आटे लिया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली पानी भी लिया हूँ। पहले प्यान में पानी लिया हूँ, फिर उसमें चीनी, नमक और इलायची डाली हूँ। पानी में उबाल आने के बाद उसमें आटे को डाली हूँ। फिर उसको थोड़ी देर चलाने के बाद गैस बंद करके ढक्कन दे दी हूँ। थोड़ी देर के बाद ऐसे मैं जैसे वीडियो में बना रही हूँ ऐसे बनाना है। फिर उसको डीप फ्राई करना है। अब ये बन के रेडी हो गया है। आज मैं डालमा मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ। पहले पानी रख दिया है, तेज पत्ता दो, फिर अदरक कूट के थोड़ा सा, हल्दी और नमक डाल के पानी को उबलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर बाद में उसमें उबल जाने के बाद उसमें वेजिटेबल्स सारे डालूंगी। पानी थोड़ा उबल जाए उसके बाद सारे वेजिटेबल्स डालूंगी। अब ये उबल गया है। मैं पहले से ही तूर और मसूर की दाल को भिगो के रखा था। दाल, वेजिटेबल्स और टमाटर को इसमें ऐड कर दिया हूँ। थोड़ी देर के बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर ढक्कन लगा दो। यहाँ पे मैं कानी का व मीठा खिचड़ी बना रही हूँ। जगन्नाथ जी के पास 56 भोग लगते हैं, ये कानी का उसमें से एक है। मैं प्यान में थोड़ी सी ऑयल लेके उसमें काजू को थोड़ा भून लिया हूँ। फिर उसी ऑयल में जीरा, साबुत गरम मसाला और दो तेज़पत्ता डाल के उसको थोड़ा भून ली हूँ। फिर उसमें पानी, नमक, हल्दी और चीनी ऐड करके एक उबाल आने तक छोड़ दी हूँ। हमारे ओडिशा में रथ यात्रा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। रथ यात्रा एक्चुअली में होती क्यों है? जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा ये तीन भाई बहन हैं। एक दिन वो बहुत नहा लेते हैं, फिर उनको बुखार हो जाती है,
तो वहाँ पे जो पंडित होते हैं, पूजा करते हैं जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा की, वो सब लग पड़ते हैं उनकी बुखार ठीक करने के लिए। फिर उनको बुखार ठीक हो जाती है, बट उनको खाने के लिए कुछ मन नहीं होता, इसीलिए वो घूमने जाते हैं। अभी ये उबाल आ गया है, इसमें चावल और दाल को पहले से भिगो के रखा था तो उसको आड़ कर दी हूँ। थोड़ी देर के बाद ये बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैं दही बैगन बनाऊंगी, इसीलिए बैगन को फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें करी पत्ता, सूखी मिर्च, हरी मिर्च और हींग डाल के थोड़ी देर भून लूँगी। आज मैं बिना ओनियन गार्लिक के बना रही हूँ। अगर आप ओनियन गार्लिक के बनाएंगे तो यहाँ पे गार्लिक ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना, तो जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा को कुछ खाने को मन नहीं होता, तो वो उनकी मौसी के यहाँ घूमने निकलेंगे। तो वही जो घूमने निकलेंगे 9 दिन के लिए, उसको रथ यात्रा बोलते हैं। अब ये छोक रेडी हो गया है। ठंडे होने के बाद इसको मैं दही में आड़ करूँगी, नहीं तो दही फट जाएगा। यहाँ पे मैं दही को पानी और नमक मिला के फेंट के रखा हूँ। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा एंड भुनी हुई सूखी लाल मिर्च की पाउडर मिलाकर फेंट ली हूँ। अब इसमें ब्रिंजल और धनिया पत्ता ऐड कर ली हूँ। सेम छोंक मैं डालमा में भी लगाई हूँ। छोंक को डाल के डालमा को थोड़ी देर चला लूँगी और थोड़ा प्रेस कर लूँगी ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब ये डालमा बन के रेडी हो गया है। चलो अभी भगवान जी के पास भोग लगा लेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ।